आगे बढ़े और आपको बताएं, सादिकाबाद में रेलवे मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। रेलवे मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही। मजीद जानने के लिए देखेंगे मलिक जावेद अनवर की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद में रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। रेलवे मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही। आज 22 जून हो गए, जैसे तहसीन साहब ने बात की कि हमें जून की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। जो रेलवे ट्रैक के ऊपर पत्थर कूटते हैं उनको 3-3 माह हो गए, तनख्वाह नहीं मिली है। सारा अमला जितना भी है, ट्रेन को चलाने वाले, स्टेशनों को चलाने वाले, सबको तनख्वाह नहीं मिली है। इस महंगाई के दौर में जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है पूरा साल गुजर गया है, यही हमारी तनख्वाहें डेढ़ डेढ़ दो दो माह ताखिर का शिकार है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि तनख्वाहों को मुसलसल लेट किया जा रहा है, पेंशन और दीगर फंड्स भी फराहम नहीं किए जा रहे, ईद सर पर है। हमें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे, घर चलेंगे हम अपनी ड्यूटियों पे कैसे पहुंचेंगे। हमारे अरबाब इख्तियार हुकूमत से ये गुजारिश है कम से कम हमें इजाफी मुराद तो ना दें। जो हमारी लगी बगी बुझी है 20-30 हज़ार रुपये, कम से कम वो तो हमें टाइम पर अदा की जाए ताकि हम अपने बच्चों को ईद आ रही है कि कपड़े दिला सकें, उनकी फीसें अदा कर सकें। रेलवे मुलाजमीन ने मुजाहिरे में हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाए ताकि इनके बच्चे भी ईद की खुशियां मना सके। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद।